अस्पताल की गोरी शरीयत की बात की। नहीं आपने नहीं गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, आपको चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे, अगर आप समझते हैं कि ठीक नहीं तो फोरम मौजूद है, आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते सर? मेरी जान मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा करूँगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, पांचवा एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल सर, ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान है, उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात? नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो रख सकते हैं, उस पर कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते मॉरली, ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर आपने ये कहा है, आपने पहले खत में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है, अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना, उसको कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, तो कैसे नहीं है भाई? अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। हमें मुझे दोहरी शोरीत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है, जब जवाब आया तो उसमें वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है और सबके लिए एप्लीकेबल होगा। नहीं नहीं, गिर जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है इसका। अच्छा फैसला साहब, ये हो रही है कि आज सेनेटर आए थे, एक भी नहीं भाई, ये तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो सामने सामने है, तो नहीं आप अकेले आते, आपको बुलाया गया? अगर 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 आप अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए, अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं, कि ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज्जत है तो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है, तो हम इज्जत का वकार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जो है वो इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तो इन्हें अदालत? ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, मैं तो दिया है, अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं। नहीं जाएंगे तो सभी जाएंगे। भाई आप डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई, उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है, उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है, वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं, वो नाम लेके दहशतगर्दी वाली बातें करें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स हैं? नहीं है, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, कामयाब है, जिसके ट्रोल होंगे बादशाह इस मुल्क। देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन लेकिन मजहब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, और अगर कुरान शरीफ का हवाला है शायद उसमें अगर हमारे मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको उस जुमरे में देख रहा हूँ, और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गलम गलोच ख़त्म हो, अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। अदर दैन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी हो जाती है, हर कोई आदमी खामोश होता है, मज़हब यूजली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलाद के लिए बात करें, देखते हैं आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।